हाय गाइस, मैं हूं विशाल और आज के वीडियो में हम इन इनलाइन स्केट्स के व्हील्स को चेंज करने वाले हैं। ये वाले व्हील्स हैं, इनसे हम रिप्लेस करेंगे, तो आज हम यही सीखेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके व्हील को खोलना होगा, जिसके लिए आपको दो एलन की आवश्यकता होगी और जो कि आपके पास होगी। तो इन्हें आपको दोनों साइड नट में लगा देना है अच्छे से और फिर इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, जिससे इसके नट लूज़ हो जाएंगे और फिर आप इन्हें आराम से खोल सकते हैं। तो इसे आप एलन की से एक साइड से धीरे धीरे खोल सकते हैं, या फिर अगर आपको हाथ से नट को घुमाना कंफर्टेबल लगे तो आप हाथ से भी घुमा सकते हैं, जैसे कि मैं हाथ से घुमा रहा हूँ। तो ये मैंने खोल लिया और इन्हें मैं थोड़ा सा कस के साइड में रख दूँगा और फिर व्हील को निकालने के लिए मैं इसे खींचा और ये आसानी से निकल गया। तो सब इसमें देख सकते हैं आप, ये स्पेसर मिलेंगे आपको दोनों साइड प्लास्टिक के, जो कि नट और बेरिंग के बीच का जो गैप होता है उसे दूर करने में काम आते हैं, फिक्स बैठता है बेरिंग। तो ये दो आएंगे, तो आप इन्हें साइड में रख दीजिए और फिर लीजिए एलन की और बेरिंग, दोनों बेरिंग के बीच में इसे लगा दीजिए और फिर साइड में चारों ओर बराबर ताकत लगाते हुए दबाते हुए इस टाइप से आपको इसे घुमाना है। तो चारों तरफ धीरे धीरे प्रेशर लगेगा, कितना भी टाइट क्यों नहीं हो बेरिंग आराम से निकल जाएगा। तो ये जैसे देख सकते हैं ये निकल गया है और इजीली निकल गया है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आती है बेरिंग निकालने में, बेरिंग आपका ख़राब नहीं होगा। और ये है स्पेसर, और इसी से आपके बेरिंग ख़राब होने से बचे रहते हैं। अब आपको निकालना है दूसरा वाला बेरिंग, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंगूठे को यहाँ पे इस टाइप से रखना है और पुश करना है। तो ये निकल गया है, इजीली निकल गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है तो आप एलन की को लीजिए, बेरिंग पे रखिए और दबा दीजिए तो वो निकल जाएगा। तो ये बेरिंग निकल चुका है, अब हमें क्या करना है, आगे व्हील को चेंज करना है। तो वही प्रोसेस करनी है, व्हील लेना है दूसरा नया वाला जो भी है, और बेरिंग को उसी पोजीशन में रख देना है और फिर दबा देना है, पुश कर देना है अच्छे से। ये थोड़ा टाइट पड़ेगा क्योंकि नया बेरिंग है और नया व्हील है। और फिर आपको स्पेसर याद से लगा देना है, क्योंकि इससे बेरिंग आपके ख़राब हो सकते हैं अगर ये नहीं लगाया तो आपको इसे याद से लगा देना है और फिर दूसरा बेरिंग रख के उसे भी पुश करके दबा के आराम से लगा देना है। तो ये आराम से नहीं लग रहा है क्योंकि नया व्हील है तो थोड़ा टाइट आएगा, और जो कि अच्छी बात है। तो इसको थोड़ा अच्छे से दबा देना है और ये लग जाएगा। फिर आपको वही दो प्लास्टिक के स्पेसर आएंगे, उन्हें भी वापस लगा देना है, दोनों साइड से लगा देंगे और फिर हमारा पूरा व्हील तैयार हो जाएगा वापस से इसके फ्रेम में लगने के लिए। तो अब इसे हम वापस रख देते हैं, उसी पोजीशन में रखेंगे और ये देख सकते हैं आप, इसका होल पूरा मिला लीजिएगा और अब इसे वापस जो नट है उसे फिक्स करके वापस लगा देना है। कुछ इस टाइप से होल मिला लीजिएगा अच्छे से और फिर ये लग गया हमारा। तो आपको ये दिख जाएगा, देख सकते हैं आप, होल मैच कर रहा है। तो आप इसे वापस कस दीजिए, तो ये आप इसे कस सकते हो। और फिर आपको लेनी है एलन की और एलन की से कसना है। फिर अगर एक साइड से कसा जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कसाता है, दूसरी साइड से स्लिप कर रहा है, तो आपको दोनों साइड एलन की वापस लगानी पड़ेगी और वही कसते हुए भी ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, या फिर एक तरफ से होल्ड करना है दूसरी तरफ से घुमा सकते हैं। तो ये हमारा व्हील हो गया है टाइट, कसा चुका है। अब ये आपको फ्री नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार चला लोगे ना तो ये फ्री हो जाएगा, क्योंकि इसके जो बेरिंग है वो सही से फिक्स हो जाएंगे, चलाने पे फिट बैठ जाएंगे। तो आपको इसका टेंशन लेने की जरा भी ज़रूरत नहीं है।
आई होप गाइस आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाय गाइस।